अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं, विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है इसलिए हमने सोचा कि आज फ़िश करी बना लेते हैं। हम आपके लिए फ्राइड फ़िश भी बनाएंगे, मगर आज हम बना रहे हैं आप सबके लिए फ़िश करी, जिसके लिए हमें चाहिए फ़िश जो कि हमने 1 kg ली है, और चाहिए हमें ये जिंजर, और हमें चाहिए फ्राइड अनियन। अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो आप फ्राइड करके फिर उसको उसकी ग्रेवी बनाएं। और हमें चाहिए योगर्ट, और हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमें मसालों में चाहिए सॉल्ट, ये है कसूरी मेथी, ये है और हमें चाहिए हल्दी पाउडर, और हमें चाहिए धनिया पाउडर, और हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, और हमें चाहिए साबुत मेथी। अब हम सॉल्ट और हम हल्दी से फ़िश को मैरिनेट करेंगे, और हम 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। हमने फ़िश को विनेगर से अच्छी तरह धो लिया था, इसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं, और हम डाल देते हैं इसमें हल्दी पाउडर, इसमें हम डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस इतना ही डालना है हमने। और हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा लेमन जूस 2 tablespoons, और अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा और हम लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। और अब हम फिश पर ये मसाला लगा लेते हैं। ये ऐसे हम लगाएंगे अच्छे तरीके से। ये हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे मैरिनेट करेंगे, हल्दी, नमक और लेमन जूस। इसी तरह अब हम सारे पीसेस पे लगा लेंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस मैरिनेट कर लेंगे, और कम से कम इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। और हम इसको ऑलिव ऑयल या हम इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, हम रिफाइन ऑयल में इसको नहीं बनाएंगे। हमने मैरिनेट कर लिया, अब हम इसको 1 hour के लिए ऐसे ही रख देंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल डाल लिया, अब हम फिश फ्राई कर लेते हैं। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। फिश हमारी फ्राई हो रही है। जब ये एक साइड से फ्राई होगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम चेक कर लेते हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं।
हमने फ़िश को फ्राई कर लिया है, आप इतनी ही गोल्डन फ्राई करें इसको। और अब हम इसकी बना लेते हैं करी। चलें करी बनाना स्टार्ट करते हैं। फिश हमेशा मस्टर्ड ऑयल या आप ऑयलिव ऑयल में बनाएं, इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, हमने ऑयलिव ऑयल नहीं लिया, तो हम लोहरी स्टाइल में बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में, जिसको हम सरसों का ऑयल भी बोलते हैं। इसमें हम ये साबुत मेथी डाल देंगे, जो कि हमने हाफ टेबल स्पून डाला है। जैसे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगी, हम इसमें अनियन डाल देंगे, इसमें अब हम अनियन डाल देते हैं। हमने ये ग्राइंड की हुई अनियन डाल दी है इसमें, और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है, इसमें हम तमाम पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हम 2 टेबलस्पून डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे, हल्दी पाउडर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम इसको मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं वो वैसे ही येलो बनेगी। और हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, क्योंकि हमने पहले फिश में भी सॉल्ट लगाया है, तो इसलिए हम ग्रेवी में थोड़ा सॉल्ट कम यूज़ करेंगे टेस्ट के मुताबिक। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। जब हमारी फिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी, बाकी हम मेथी उस वक्त डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। इस स्टेज में हम इसमें दही डाल देंगे। दही का इस्तेमाल हम इसमें ज़्यादा करेंगे। इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। हमने इसमें दही डाला है। अगर हमारे पास 1 पाव मछली है, तो हम इसमें तकरीबन 1.5 पाव दही का डालेंगे।
एक पाव फिश में हम 1.5 पाव दही का इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें फिश डाल देंगे ताकि हमारी फिश भी थोड़ा पक जाए और हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर हम इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे। हम इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। फ्लेम हमने स्लो कर दिया है ताकि हमारी फिश अच्छे तरीके से कुक हो जाए। मिनट्स बाद हम इसको चेक कर लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से कुक करते हैं। इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, इसलिए कुक हो चुकी है तकरीबन। तकरीबन ये कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं सूखी मेथी। हम इसमें कोरिएंडर और ग्रीन चिल्ली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया, बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हमारे अच्छे तरीके से कुक हो गई है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमने डिश आउट कर लिया है, हमारी ग्रेवी फिश बिल्कुल रेडी है। आप हमारे इस तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।